विद्युत मोटर का सिद्धांत, संरचना और इसकी कार्यविधि को समझाइए। सबसे पहले ये जान लें कि विद्युत मोटर है क्या। तो विद्युत मोटर एक उपकरण है, एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब अगर हम मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऑन करेंगे, तो मोटर आपका चलने लगेगा। ठीक, अब आते हैं इसके सिद्धांत पर, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो चुंबकीय प्रभाव में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और इसके बाद हमने पढ़ा कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसी तार को रख के विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक, तो इसके चारों ओर फिर उसी प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दो दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे तब इस चालक पर एक बल कार्य करेगा। इससे पहले हम इसी बल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, यानी कि जब किसी चालक तार को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक पर एक फोर्स, एक बल कार्य करता है। ठीक, यही सिद्धांत है मोटर का। मोटर में हम एक कुंडली को मान लिया, ये तार की एक कुंडली है। अब इसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, इसी तरह से यही प्रक्रिया, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी कुंडली को रख के इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक, तो कुंडली पर एक बल नहीं बल्कि दो बल कार्य करेंगे। क्योंकि इसमें देखो एक भुजा में धारा की दिशा ये होगी और एक भुजा में विद्युत धारा की दिशा ये होगी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो सेम है लेकिन एक भुजा पर धारा की दिशा दूसरी है और दूसरी भुजा पर धारा की दिशा दूसरी है। इसका मतलब इस भुजा पर जो बल लगेगा वो उसकी डायरेक्शन अलग होगी और इस भुजा पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी। इसका मतलब अगर ये वाला बल नीचे की ओर लगेगा तो ये वाला बल ऊपर की ओर लगेगा। मतलब दोनों पर समान परिमाण लेकिन विपरीत दिशा के बल एक साथ कार्य करते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं कि एक बल युग्म कार्य करता है कुंडली पर। ठीक, और ये बल युग्म क्या करेगा, इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा। अगर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है, अपने अक्ष के परितः कुंडली घूमने के लिए अगर स्वतंत्र है तो वो अपने अक्ष के परितः घूमने लगती है। बस इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। सिद्धांत में क्या लिखेंगे, यह है इसका सिद्धांत कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। अगर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो अपने अक्ष के परितः घूमने लगती है और मोटर आपका चलने लगता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन एक लाइन में और ये हो गया इसका सिद्धांत। अब बात करेंगे विद्युत मोटर की संरचना की। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे और फिर उनमें जो जो भाग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहला भाग आपको बनाना है क्षेत्र चुंबक। ठीक, विद्युत मोटर का सबसे पहला भाग क्षेत्र चुंबक। आपको ऐसे लाइन खींचनी है, खींच सकते हो। अब क्या करेंगे, बीच में हम इसको मिटा देंगे रबर की सहायता से और फिर हमें बनाना है इसके दो ध्रुव खंड।
एक ध्रुव खंड हो जाएगा एन और एक हो जाएगा एस। ठीक, तो ये है विद्युत मोटर का पहला भाग, क्षेत्र चुंबक। ठीक, बन जाएगा आसानी से, एक ध्रुव खंड इसका है एन और दूसरा ध्रुव खंड है एस। सबसे पहला भाग क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड एन व एस होते हैं। हो गया पहला भाग। दूसरा भाग, अब इन दोनों ध्रुव खंडों के बीच आपको रखनी है एक आयताकार कुंडली जिसको हम लोग कहेंगे आर्मेचर। दूसरा भाग है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? ये एक आयताकार कुंडली होती है और ये है इसका धुरा। ये एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नर्म लोहे यानी कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक, कहाँ रखी है? दोनों ध्रुव खंडों के बीच में। मान लो ये एक आर्मेचर कुंडली है तो इसको कहाँ रखना है? ये दोनों ध्रुव खंडों के बीच में रखी रहेगी क्योंकि बीच में ही चुंबकीय क्षेत्र है ना, एन से एस की ओर, और दिशा भी हमें पता है एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इन दोनों ध्रुव खंडों के बीच में हमने रखा आर्मेचर कुंडली। तो इसका जो दूसरा भाग है वो है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नर्म लोहे यानी कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। और ये कहाँ रखी होती है? ये दोनों ध्रुव खंडों के बीच में स्थित होती है और अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इसको आप घुमा सकते हैं। ठीक, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है और ये अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो दो भाग समझ में आ गए, पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर। तीसरा भाग, इसका तीसरा भाग क्या है? विभक्त वलय। नाम से ही पता चल रहा है वलय मीन्स होता है छल्ला यानी कि रिंग, और विभक्त मतलब बीच से कटा हुआ। तो ये एक छल्ला होता है जो बीच में दो बराबर भागों में कटा होता या बटा होता कह सकते हो। ये पूरा छल्ला है और अगर इसे हम बीच से काट दें, यहां से लो कट गया, अब ये दो बराबर भागों में बट गया। ये एक छल्ला है जो बीच में दो बराबर भागों में, बीच से दो बराबर भागों में बटा होता है, इसे कहते हैं विभक्त वलय। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा होता है। तीन भाग हो गए। चौथा भाग ब्रश। ब्रश क्या है? ये कार्बन धातु की दो पत्तियां होती हैं जो इन विभक्त वलयों पर फिसलती रहती हैं। जब ये कुंडली घूमेगी, ठीक, तो ये इसका धुरा भी घूमेगा, धुरा घूमेगा तो साथ में विभक्त वलय भी घूमेंगे, विभक्त वलय घूमेंगे तो एक बार देखो विभक्त वलय इस पत्ती को टच कर रहा है, जब ये घूम जाएगा तो ये वाला विभक्त वलय इस पत्ती को टच करेगा और ये वाला उधर वाली पत्ती को टच करेगा। ठीक, तो ये कार्बन धातु की दो पत्तियाँ होती हैं जो इन दोनों वलयों पर फिसलती रहती हैं यानी टच करती रहती हैं। एक को अगर हम मान लें एक्स तो दूसरे को हम मान लें वाई, तो इनका संबंध संयोजक पेंचों से करके बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आएगी बात। तो ये लग गए इसमें बैटरी प्लस माइनस। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, अब ये विद्युत धारा इधर से चलेगी प्लस से माइनस की ओर, तो ब्रश एक्स में जाती हुई और फिर इससे देखो इस विभक्त वाले में आएगी, विभक्त वाले से कुंडली के इस
जो सिरा जुड़ा हुआ है इसमें जाएगी और इससे होते हुए कुंडली की इस भुजा में जाएगी, फिर इससे होते हुए यहाँ जाएगी, फिर वापस इसी तरह से ब्रूस वाई से वापस आती हुई प्रतीत होगी। तो ये कुल चार भाग होते हैं विद्युत मोटर के। पहला है क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है विभक्त वलय और चौथा है ब्रश। विद्युत मोटर के चार प्रमुख भाग हैं। नंबर एक क्षेत्र चुंबक या शक्तिशाली अस्थाई चुंबक है जिसके ध्रुवखंड N व S होते हैं। बहुत आसान, बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर दो आर्मेचर या एक आयताकार कुंडली होती है जिससे नर्म लोहे या कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है और ये दोनों ध्रुवखंडों के बीच में स्वतंत्र होती है घूमने के लिए, ठीक वहीं पर स्थित होती है। नंबर तीन विभक्त वलय, ये एक वलय होता है जो बीच में दो बराबर भागों में बटा होता है। इन दोनों भागों को विभक्त वलय कहते हैं। एक विभक्त वलय कुंडली के एक सिरे से जुड़ा होता है और कुंडली का दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा रहता है। ब्रश, ये कार्बन धातु की दो पत्तियां होती हैं जो दोनों विभक्त वलयों पर फिसलती रहती हैं। इनका संबंध दो संयोजक पेचों से करके उस बैटरी से कर देते हैं जिससे हमें विद्युत धारा इसमें भेजनी होती है, ठीक। कार्य विधि, सबसे पहला काम है यहाँ से हमें विद्युत धारा भेजनी है, ठीक। तो विद्युत धारा कैसे जाएगी, एक ब्रश से होती हुई इसमें प्रवेश करेगी और दूसरे ब्रश से वापस चली आएगी, है ना। अब ध्यान से देखो कैसे विद्युत धारा मोटर में जाएगी। मान लो इसकी भुजा है ए बी और यह है सी और यह है डी। एक भुजा है ए बी और एक भुजा है सी डी, ठीक। अब इसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता है एन से एस की ओर, विद्युत धारा की दिशा आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं पर लगने वाले बल की दिशा को हम ज्ञात करेंगे कि ए बी भुजा पर बल किधर लगेगा और सी डी भुजा पर बल किधर लगेगा। और बल की दिशा ज्ञात करने के हमारे पास दो नियम हैं, एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक है दाएं हाथ की हथेली का नियम, कौन सा लगाएं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे भुजा ए बी की। भुजा ए बी कुछ इस प्रकार है, अगर इधर हम बनाएं ये है भुजा ए बी, ठीक। इसमें विद्युत धारा की दिशा है ये और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो इसी नियम से हम ए बी भुजा पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें दो दिशाएं पता हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है और विद्युत धारा की दिशा पता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गई और ये आई आई तो इधर की ओर जा रहे, तो हमें घुमाना पड़ेगा आई से। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा, तो बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर। अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर, यानी इस भुजा पर बल नीचे की ओर लगेगा। ए बी पर बल नीचे की ओर, पता चल गया। अब जरा हम सी डी भुजा की बात कर लें, इधर आ जाओ, ये है सी डी भुजा, सी नीचे है तो नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही है लेकिन सी डी में विद्युत धारा की दिशा इधर की ओर है, यानी इसमें विद्युत धारा की दिशा ये है। अब सी डी भुजा पर बल कैसे पता करेंगे, इसमें भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, हमारे पास नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और बल की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और बल पता करना है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली करेंगे, हो गई।
देखो इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? और विद्युत, वाह ये बढ़िया बन गया। देखो विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। जो सीडी भुजा है इस पर बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। पता चल गया, सीडी भुजा पर बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। यही सबसे पहले हमने बोला था कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। यही बल युग्म है। एक बल नीचे की ओर और एक बल ऊपर की ओर, दोनों एक साथ लग रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं बल युग्म। मान लो ये आपकी कुंडली है, ए बी सी और डी, ठीक। ये आयताकार कुंडली, समझ में आई? ये यहाँ पे रखी है, यहाँ से विद्युत धारा गई तो विद्युत धारा की दिशा ये है, ए बी में विद्युत धारा की दिशा ये है, तो इस पर बल किधर लग रहा है? नीचे की ओर। इस पर बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक, बात समझ में आई? और सी डी भुजा पर बल ऊपर की ओर, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा उल्टी है। तो जब दोनों बल एक साथ लगेंगे, मान लो इसमें धुरा लगा हुआ है, तो इस भुजा पर बल नीचे की ओर और इस भुजा पर बल ऊपर की ओर, दोनों एक साथ लगेंगे तो क्या होगा? कुंडली ये घूम जाएगी। जब ये कुंडली घूमेगी तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के जब लंबवत आएगी इस पोजीशन में, तब इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन जड़त्व के कारण वो अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है तो वो जड़त्व के कारण थोड़ा और घूम जाती है, और जैसे घूमेगी तो सी डी भुजा आ जाएगी अब इधर और ए बी भुजा चली जाएगी उधर। ए बी भुजा पर बल लग रहा है नीचे की ओर, इस पर बल लग रहा है नीचे की ओर, और इस पर बल लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक। ये वाली भुजा नीचे जा रही है और ये वाली भुजा ऊपर आ रही है, तो ये कुछ ऐसे घूम जाएगी, और जब ये अपनी प्रारंभिक स्थिति के लंबवत आएगी तो उस समय इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन ये जड़त्व के कारण थोड़ा और घूम जाएगी, और जैसे घूमेगी तो ये सी डी भुजा आ जाएगी इधर और ए बी भुजा चली जाएगी इधर। अब देखो सी डी भुजा का कनेक्शन किससे था? ब्रश वाई से था पहले, लेकिन जब सी डी भुजा इधर आ जाएगी तो अब इसका कनेक्शन हो जाएगा किससे? एक्स से हो जाएगा, क्योंकि ये विभक्त वलय भी साथ साथ में घूम जाएंगे, ठीक। अब देखो एक्स से धारा जाती हुई और वाई से आती हुई, तो जब सी डी भुजा इधर आएगी तो अभी देखो सी डी भुजा से वापस आ रही थी, लेकिन जैसे सी डी भुजा इधर आएगी तो अब धारा इसमें जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस वजह से जब ये एक चक्कर पूरा घूम जाएगी तो अब सी डी भुजा जब इधर आएगी तो सी डी भुजा पर बल नीचे की ओर और ए बी भुजा पर बल ऊपर की ओर। लगातार इनके जो ब्रश और विभक्त वलय हैं इनके बदलने से धारा की दिशा एक रहती है और वो नहीं बदलती, इसलिए लगातार कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। बात समझ में आई? तो ये है इसकी वर्किंग। अगर आप समझ जाएँ तो फिर इसको अच्छे से लिख सकते हैं। लास्ट में इसका उपयोग लिखना है कि विद्युत मोटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो विद्युत मोटर का यूज पंखों में होता है, टुल्लू आपके यहाँ होगा यानी जल पंप, उसमें विद्युत मोटर लगा होता है, मिक्सी उसमें विद्युत मोटर होता है, आटा चक्की उसमें विद्युत मोटर, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ विद्युत मोटर, बहुत सारे विद्युत उपकरण ऐसे हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया होगा। अगर विद्युत मोटर समझ में आ गया है तो आई एम 100% श्योर कि आपको दोनों जनरेटर भी समझ में आ जाएंगे। अगर आपने मोटर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो जो भाग मोटर में आपने पढ़े हैं वही सारे भाग आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर में पढ़ने हैं। मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, और जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। मोटर में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चलने लगता है, और जनरेटर को जब हम चलाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। बस यही अंतर है इन दोनों में। ठीक, तो अगर आपको मोटर समझ में आ गया है, मोटर की संरचना आपने अच्छे से बना ली है, तो सेम टू सेम आपको जनरेटर भी उसी तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी जनरेटर और दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर। अब दोनों जनरेटर का काम है विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो ये दो प्रकार के अलग अलग क्यों हैं? एसी जनरेटर उस जनरेटर को कहते हैं जिसमें से एसी करंट उत्पन्न होता है, ठीक, और डीसी जनरेटर उसको बोलते हैं जिसमें से डीसी करंट उत्पन्न होता है। तो अब जनरेटर को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक जनरेटर वो जो एसी करंट को उत्पन्न करता है या जिससे हमें एसी करंट प्राप्त होता है या जिससे हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, और ऐसा जनित्र या ऐसा जनरेटर जिससे हमें दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्राप्त होता है उसे हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ये जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या है सिद्धांत इसका? किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, ठीक, किसी भी युक्त के द्वारा कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, और जब कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसी सिद्धांत पर ये जनरेटर कार्य करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में होना चाहिए कि विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा अपने आप कहाँ से उत्पन्न होती है। तो आप जरा सोचो, जनरेटर को घुमाने के लिए, चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा यानी जो यांत्रिक ऊर्जा खर्च होगी वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। मोटर को जरा से याद करते हैं। मोटर का सबसे पहला भाग कौन सा था? क्षेत्र चुंबक, है ना, याद आया? विद्युत मोटर का पहला भाग क्षेत्र चुंबक। सेम आपको इन दोनों में भी बनाना है, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का पहला भाग क्षेत्र चुंबक, दिष्ट धारा जनित्र का भी पहला भाग क्षेत्र चुंबक, मोटर का भी पहला भाग क्षेत्र चुंबक। अगर मोटर आपने याद कर लिया है तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला भाग क्षेत्र चुंबक, और इसमें क्या लिखा गया था? यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड N व S होते हैं, बीच का हिस्सा थोड़ा सा हम मिटा देंगे। क्षेत्र चुंबक जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं N व S, समझ में आया? तो विद्युत जनित्र का भी पहला भाग क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड N व S होते हैं। दूसरा भाग आर्मेचर, आर्मेचर
विद्युत मोटर में आपने पढ़ा होगा, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नर्म लोहे या कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है, और ये कुंडली दोनों ध्रुव खंडों के बीच में स्थित होती है और अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है ना। तो जो आपने मोटर में बनाया था वही आपको इन दोनों जनरेटर में भी बनाना है। प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा भाग आर्मेचर, दिष्ट धारा जनित्र का भी दूसरा भाग आर्मेचर। कोई प्रकार की दिक्कत किसी को? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भी दूसरा भाग आर्मेचर, दिष्ट धारा जनित्र का भी दूसरा भाग आर्मेचर। तीसरा भाग आपने मोटर में पढ़ा होगा, विभक्त वलय। यहीं पर थोड़ा सा चेंज है, ध्यान ये रखना है। दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय होंगे, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होंगे। विभक्त वलय किस में होंगे? डीसी जनरेटर में, और सर्पी वलय ये होंगे एसी जनरेटर में। यही इन दोनों में अंतर है। तो विभक्त वलय आप इससे पहले बना चुके हैं मोटर में, तो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको बोलते हैं विभक्त वलय, ठीक। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा होता है, ठीक। तो डीसी जनरेटर में आपको बनाना है विभक्त वलय, लेकिन एसी जनरेटर में आपको विभक्त वलय की जगह पर बनाने हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय में क्या होगा? इसमें दो छल्ले होंगे। कुंडली का एक सिरा एक वलय से और दूसरा सिरा दूसरे वलय से जुड़ा होता है। यही इन दोनों जनरेटर में अंतर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डीसी जनरेटर में विभक्त वलय, एसी जनरेटर में सर्पी वलय, सब कुछ सेम। एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें भी एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये इसका अक्ष, अब आते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग ब्रश। ये कार्बन की दो पत्तियां होती हैं जो दोनों वलयों पर फिसलती रहती हैं, और इन्हीं पत्तियों से कनेक्शन हम कर देते हैं बाह्य परिपथ में, ठीक। एक पत्ती इससे टच करेगी और एक पत्ती इससे टच करेगी। इनका संबंध संयोजक पेचों से करके बाह्य परिपथ से कर देते हैं, ठीक। इसमें भी चौथा भाग कार्बन की दो पत्तियां जो इन वलयों पर फिसलती हैं, इन दोनों का संबंध दो संयोजक पेचों से करके बाह्य परिपथ से कर देते हैं। मोटर में क्या लगाया था आपने? इस परिपथ में बैटरी लगाई थी, याद आया। और जनरेटर में क्या करना है? यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, यहाँ तो हम विद्युत धारा खुद उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक बल्ब। ये भी एक अंतर है मोटर और जनरेटर में। मोटर में आपने लगाई थी बैटरी, और जनरेटर में हम लगाएंगे यहाँ पर बल्ब, ठीक। जब ये चलेगा तो फिर ये बल्ब जलेगा, बात समझ में आई। इसमें भी लगाएंगे हम एक बल्ब। चलो एक बार संरचना की बात और करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, क्षेत्र चुंबक या एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुवखंड N व S होते हैं। नंबर दो, आर्मेचर या एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नर्म लोहे या कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है, जो दोनों ध्रुवखंडों के बीच में अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। नंबर तीन, सर्पी वलय
ये दो छल्ले होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। एक वलय का संपर्क कुंडली के एक सिरे से और दूसरे वलय का संपर्क कुंडली के दूसरे सिरे से होता है। नंबर चार ब्रुष, ये कार्बन की दो पत्तियां होती हैं जो दोनों सर्पी वलयों पर फिसलती रहती हैं। इन दोनों का संबंध दो संयोजक पेचों से उस परिपथ से कर देते हैं जिस परिपथ में हमें विद्युत धारा भेजनी होती है। इसी तरह से दृष्ट धारा जनित्र के भी प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नंबर एक क्षेत्र चुंबक, नंबर दो आर्मेचर, नंबर तीन विभक्त वलय और नंबर चार ब्रुश। अब बात करेंगे वर्किंग, दोनों कार्य कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहला काम यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस कुंडली को किसी एक डायरेक्शन में तेजी से घुमाना पड़ेगा। जब कुंडली घूमेगी तब इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जब परिवर्तन होगा तभी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में रख कर तेजी से घुमाना है किसी भी युक्त के द्वारा। मान लिया हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक, इस कुंडली को इसके अक्ष के परिता क्लॉकवाइज, ये है इसकी भुजा ए बी। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुंडली घूमेगी तो इसकी भुजा ए बी किधर की ओर गति करेगी, ऊपर की ओर, किधर की ओर, ऊपर की ओर गति करेगी। और भुजा सी डी, ये वाली भुजा सी डी, ये ऊपर की ओर गति करेगी और सी डी भुजा नीचे की ओर गति करेगी। इसको मान ले कुंडली है, ठीक, ये इसकी भुजा ए बी और ये इसकी भुजा सी डी। अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं यूं इस तरह से, तो ये भुजा ऊपर जाएगी और ये वाली भुजा नीचे जाएगी। बात समझ में आई। तो यदि कुंडली को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर गति करेगी और भुजा सी डी नीचे की ओर गति करेगी। इस स्थिति में हम विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करेंगे और किस नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो देखो ये है चालक की गति की दिशा ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही है एन से एस की ओर। अब इसमें इन दोनों डायरेक्शन को अगर हम इसमें सेट करें तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आराम से आ जाएगी। देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है चालक की गति की दिशा और ये है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। इसको हम करेंगे इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र वाली दिशा में, ठीक, देखो यूं है उसी डायरेक्शन में और अंगूठा ऊपर की ओर, क्योंकि गति ये ऊपर की ओर कर रही भुजा ए बी, तो अंगूठा ऊपर की ओर, तो विद्युत धारा किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रही है। बात समझ में आई। अगर चालक की गति की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो विद्युत धारा की दिशा ये होगी इस डायरेक्शन में। किस नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। पता चल गया विद्युत धारा की दिशा कैसे, पी से ए की ओर जाएगी इधर। अब इसी तरह से हम भुजा सी डी में निकाल लें विद्युत धारा की दिशा। भुजा सी डी किधर जा रही है, नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की ओर, एन से एस की ओर। अब इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, चलो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली और अंगूठा नीचे की ओर, क्योंकि ये भुजा नीचे जा रही है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर हुई, इस डायरेक्शन में, यानी डी से सी की ओर, इस डायरेक्शन में, यानी धारा इस डायरेक्शन में वापस आएगी, इधर से जाती हुई और इधर से वापस आती हुई, कुछ इस तरह से, इस तरह जाएगी और इस तरह से वापस आएगी। अब यहां तो समझ में आ गया, अब आ जाओ इधर, इधर से जाती हुई यानी एक्स से जाती हुई और इधर से आती हुई यानी वाई पर वापस आती हुई प्रतीत होगी। एक्स से जाती हुई और वाई पर वापस आती हुई धारा प्रतीत होगी। अब यहाँ बात करेंगे इन दोनों वलयों की। देखो एक समय पर जब कुंडली की ये ए बी भुजा ऊपर की ओर जा रही है,
तो धारा की दिशा इधर की ओर है, ठीक, यानी एक्स से जाती हुई, एक्स से जाती हुई, और ये वाली भुजा जब नीचे की ओर जा रही है तो वाई पर आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये एक्स जो ब्रश है वो इस वलय से जुड़ा हुआ है ना, यानी कुंडली की इसी भुजा से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो ब्रश है वाई वो इस वलय से जुड़ा हुआ, और ये वलय किससे कनेक्ट है, इस भुजा से कनेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये आधा चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि ये भुजा आ जाएगी इधर और ये वाली भुजा चली जाएगी उधर, तो अब ए बी भुजा जो ऊपर आ रही है वो इस कंडीशन में जाएगी नीचे की ओर, और सी डी भुजा जो इधर आ जाएगी, अभी नीचे की ओर जा रही है, अब वो आएगी ऊपर की ओर जब ये पलट जाएगी तब, ठीक। इस स्थिति में यहाँ की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि ये जो सिरे हैं ए बी इसी से जुड़ा हुआ है एक्स से ही, एक्स वाले ब्रश वाले वलय से, और सी डी जो सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, वाई वाले ब्रश वाले वलय से, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो जब यहाँ पे घूम जाएगी तो एक बार ए बी भुजा में धारा की दिशा एक्स से जाती हुई और वाई पर वापस आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा यहाँ पर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बदल रही है तो यहाँ पर भी बदल जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जब कुंडली आधा चक्कर घूमेगी तो जो ए बी भुजा ऊपर की ओर आ रही है वही ए बी भुजा अब नीचे की ओर जाएगी, और सी डी भुजा घूम के इधर आ जाएगी वो ऊपर की ओर आएगी, तो यहाँ पर धारा की दिशा जो एक्स से जा रही है वाई पर आ रही है, आधे चक्कर के बाद कुछ उल्टा सीन होगा, एक्स पर आएगी और वाई से जाएगी। तो इस प्रकार हर आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी। तो ये कौन सी धारा हो गई, ये हो गया एसी करंट, यानी कि हमें इस जनरेटर से एसी करंट प्राप्त होगा। तो ये जनरेटर कौन सा हो गया, एसी जनरेटर हो गया। बात करते हैं डीसी जनरेटर की। सेम कंडीशन यहाँ, अगर इस कुंडली को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं इस तरह से, ये ए बी भुजा, ए बी सी डी, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर जब ये घूमेगी, है ना, तो यहाँ पर धारा की दिशा इसी तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ से अगर हम निकालेंगे तो धारा की दिशा होगी बी से ए की ओर, अगर ये ऊपर जाएगी तो धारा की दिशा इधर, और ये नीचे की ओर तो धारा की दिशा ये, यानी एक्स पर एक्स से जाती हुई और वाई ब्रश पर आती हुई प्रतीत होगी। कब, जब ये इस तरह से घूम रही होगी, ए बी भुजा ऊपर की ओर और सी डी भुजा नीचे की ओर। आधे चक्कर के बाद की कहानी देखो, आधे चक्कर के बाद जब ए बी भुजा नीचे की ओर जाएगी इधर और सी डी भुजा ऊपर की ओर आएगी, तो यहाँ की कहानी क्या होगी, ए बी भुजा के घूमने के बाद ये वाला जो विभक्त वलय है ये घूम करके वाई के टच में आ जाएगा। जहाँ से ध्यान से देखो, कुंडली का जब ये सिरा घूमेगा, भुजा घूमेगी, तो उसके साथ साथ ये वलय भी घूम जाएगा। अभी ये विभक्त वलय एक्स के टच में है, घूम जाएगा तो वाई के टच में हो जाएगा। बात समझ में आई। अभी सी डी भुजा का जो सिरा है वो वाई के ब्रश वाई ब्रश वाले टच में है, जब आधे चक्कर में घूम जाएगा तो धुरा के साथ साथ ये भी घूमेगा, तो ये चला जाएगा एक्स के टच में, ठीक। तो अंदर तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, लेकिन बाह्य परिपथ में धारा की दिशा नहीं चेंज होगी और हमें दिष्ट धारा प्राप्त होगी, यानी कि डीसी करंट हमें प्राप्त होगा इस बाह्य परिपथ में। ए बी भुजा ऊपर की ओर, धारा की दिशा एक्स से जाती हुई, बात समझो। सी डी भुजा नीचे की ओर गति कर रही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा वाई पर आती हुई। आधा चक्कर जब घूम जाएगी तो सी डी भुजा आ जाएगी इधर और ए बी भुजा चली जाएगी उधर। अब सी डी भुजा ऊपर की ओर और ए बी भुजा नीचे की ओर। अब सी डी भुजा का कनेक्शन किससे था, पहले वाई से था, अब किससे हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। ए बी भुजा का कनेक्शन एक्स से था, अब किससे हो जाएगा, वाई से हो जाएगा। तो कुल मिला के धारा की दिशा अंदर तो बदलेगी हर आधे चक्कर के बाद,
लेकिन बाह्य परिपथ में इन दोनों विभक्त वलयों के चेंज होने से धारा की दिशा नहीं बदलेगी और हमें दिष्ट धारा बाह्य परिपथ में प्राप्त होगी, इसलिए इसे हम दिष्ट धारा जनित कहते हैं। तो ये है इन दोनों की वर्किंग। समझ में आ गया सबको?